हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा वीज़ा में कतर में आने से आप लोग को यहाँ पे कितना दिन का होटल क्वारंटाइन या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग का कितना बार PCR टेस्ट होगा, उसके लिए आप लोगों से पैसा लिया जाएगा कि नहीं, ये टोटल सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जुड़े हैं, जो लोग अभी न्यू कतर में आना चाहते हैं, चाहे कि उन लोग को थोड़ा हेल्प हो जाए। और यहाँ पे जितने सारे पुराने सब्सक्राइबर जो लोग ऑलरेडी कतर में आ चुके हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी काइंडली थोड़ा वीडियो को देख लीजिए। और इसमें अगर आप लोग को लगता है कि और भी कुछ ऐड करना चाहिए, तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ताकि न्यू जितने लोग आना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके, ऐसे ही अपडेट डेली कतर के बारे में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि कतर में कुछ दिन बाद यहाँ पे जो ट्रैवल पॉलिसी है एंड क्वारंटाइन पॉलिसी है, इसको यहाँ पे चेंज किया जाता है। तो आज के ये जो वीडियो है, ये लास्ट जो अपडेट है क्वारंटाइन पॉलिसी के ऊपर, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि कतर ने रेड, येलो एंड ग्रीन, ये तीन लिस्ट को यहाँ पे बनाया है, जिसमें वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को इसमें डिवाइड किया है कि कौन सा कंट्री यहाँ पे रेड लिस्ट में जाएगा, कौन सा कंट्री ग्रीन लिस्ट में जाएगा और कौन सा कंट्री यहाँ पे येलो लिस्ट में जाएगा। तो छोटा करके मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने सारे लोग अभी ग्रीन लिस्ट कंट्री से कतर में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 5 days का यहाँ पे होटल क्वारंटाइन यहाँ पे करना होगा। जितने सारे लोग यहाँ पे येलो लिस्ट से कतर में आ रहे हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पे 7 days का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और जितने सारे लोग यहाँ पे रेड लिस्ट से आ रहे हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पे 10 days का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी वीडियो को पूरा देखिए, यहीं से स्किप करेंगे तो वीडियो को आधा नॉलेज ही आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड फिलीपींस, ये 6 countries को ये रेड, येलो, ग्रीन, ये 3 lists में से कोई भी लिस्ट में यहाँ पे नहीं रखा गया है। इनको यहाँ पे स्पेशल रिस्क जोन बोल के एक अलग सा कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें ये 6 countries को यहाँ पे रखा गया है। कतर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये 6 countries से जितने सारे लोग कतर में आ रहे हैं, उन लोगों से कोविड फैलने का चांस सबसे ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम वर्कर ये 6 countries से ही कतर में बिलोंग करते हैं। ओके, अभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि ये 6 countries से अगर आप लोग कतर में आना चाहते हैं, तो आप लोगों को कितना दिन का होटल क्वारंटाइन या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो है वो ये 6 countries से ही यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ओके, अभी कतर गवर्नमेंट से ये 6 countries से आने वाले लोगों को यहाँ पे 2 options दिया गया है क्वारंटाइन के लिए। एक है 2 days का होटल या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन, और एक है 10 days का होटल या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग कतर में रह चुके हैं, अगर आप लोग का ID हो कि ना हो, अगर आप लोग कतर में रह चुका है और उस दौरान अगर आप लोग का वैक्सीन कतर में ही हो चुका है, या तो फिर जब आप लोग कतर में रहते थे उस टाइम अगर आप लोग कोविड से इफेक्टेड हुए थे और कतर में रहते रहते ही आप लोग कोविड से रिकवर भी कर चुके थे, तो अगर आप लोग छुट्टी में, इमरजेंसी में, वैकेशन में या तो फिर कंपनी चेंज करने के लिए अगर आप लोग अपना मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या तो फिर श्रीलंका, फिलीपींस में आप लोग रिटर्न करते हैं, और वहां से अगर फिर से कतर में रिटर्न करते हैं, और ये जो टोटल घटना है आप लोग का वैक्सीनेशन से शुरू करके आप लोगों का रिटर्न आने तक, ये अगर घटना टोटल 12 महीने के अंदर यहाँ पे होता है, तो आप लोगों को कतर में आने के बाद 2 days का होटल या तो फिर 2 days का मैकेनिस्ट क्वारंटाइन करने से ही चलेगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 days का होटल या तो फिर 10 days का मैकेनिस्ट क्वारंटाइन कौन सारे वीजा वाले लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं 2 categories में डिवाइड कर रहा हूँ। वर्क वीजा वाले लोगों के लिए 1st category में डिवाइड कर रहा हूँ। वर्क वीजा में अगर आप लोग आ रहे हैं ये 6 countries से, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 10 days का होटल या तो फिर 10 days का मैकेनिस्ट क्वारंटाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है, मगर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैकेनिज्म में यहाँ पे प्राइस बहुत कम लगता है और होटल का प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब 10 days का क्वारंटाइन के लिए आप लोगों को 3,500-4,000 से यहाँ पे चालू होता है। यहाँ पे न्यू वर्क वीजा वाले लोगों के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे कतर में आ रहे हैं काम करने के लिए कोई भी वर्क वीजा लेके, तो आप लोग को यहाँ पे आने के बाद 10 days का होटल या तो फिर 10 days का मैकेनिज्म क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ओके, मगर यहाँ पे जितने सारे लोग वर्क वीजा छोड़ के नॉर्मल फैमिली विजिट वीजा, नॉर्मल ऑनली बिजनेस वीजा, फैमिली रेसिडेंट वीजा, वीजा अराइवल टूरिस्ट वीजा, ये सारे वीजा में अगर आप लोग कतर में आना चाहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कतर MOPH अप्रूव वैक्सीन अपना कंट्री में लेके 14 days पार करके ही यहाँ पे आना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर 14 days पार करके जब कतर में आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे 10 days का होटल क्वारंटाइन ही यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन आप लोग के पास खुला नहीं है, क्योंकि मैकेनिस्ट क्वारंटाइन जो होता है यहाँ पे कंपनी वर्कर्स या तो भी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ही यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके,
अभी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग 2 दिन का होटल क्वारंटाइन या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग का एक बार PCR टेस्ट किया जाएगा, जिनमें आप लोग का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर आप लोग 10 दिन का होटल या तो फिर मैकेनिस्ट क्वारंटाइन में आते हैं तो यहाँ पे टोटल आप लोग का 3 टाइम्स PCR टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें भी आप लोग का एक पैसा भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। मगर अगर आप लोग डिस्कवर कतर साइट में जाके देखते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को PCR टेस्ट के लिए खुद से इंडिविजुअली आप लोग को पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है, किसी के पास से भी यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप लोग जो होटल क्वारंटाइन पैकेज यहाँ पे बुक कर रहे हैं उस पैकेज में ही सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के अंदर जितने सारे डाउट थे होटल क्वारंटाइन को लेकर सब कुछ अभी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।